हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाव वीडियोस। और दोस्तों, आज के हम वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2014 में जो केवीएस का पेपर हुआ था उसके अगले पार्ट में हम जो क्वेश्चन है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन आपको बताना है कि सिलिकन डायोड इज लेस सूटेबल फॉर लो वोल्टेज रेक्टिफिकेशन ऑपरेशन बिकॉज ऑफ। तो इसमें आपको जो आपको बताना है क्वेश्चन में कि जो आपका सिलिकन डायोड है वो एज अ लो वोल्टेज रेक्टिफायर ऑपरेशन के लिए क्यों जो है कम यूज किया जाता है। आपके ऑप्शन है ए, इट कैन नॉट विदस्टैंड हाई टेम्परेचर। सेकेंड वन, इट्स रिवर्स सेचुरेशन करेंट इज लो। इट्स कट इन वोल्टेज इज हाई। एंड द ऑप्शन फोर्थ इज इट्स रिवर्स सेचुरेशन करंट इज हाई। तो दोस्तों, जो आपका सिलिकन डायोड होता है उसमें आपकी जो रिवर्स सेचुरेशन करंट या फिर जो हम लीकेज करंट जिसे बोल सकते हैं और इसे हम आई नॉट से मेनली डिनोट करते हैं, तो ये जो आपकी लीकेज करंट से या फिर जो है आपकी रिवर्स सेचुरेशन करंट होती है वो काफ़ी लो होती है। इसी वजह से हम इसे लो वोल्टेज रेक्टिफायर ऑपरेशन में नहीं यूज़ करते हैं। तो उसमें आपका ऑप्शन टू जो है सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाकी यहाँ पे आप इसका सोल्यूशन भी देख सकते हैं, आपका ऑप्शन टू सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि एवलांचे फोटो डायोड आर प्रिफर्ड ओवर पिन डायोड्स इन ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम्स बिकॉज ऑफ। तो दोस्तों, इसमें आपको दो जो है आपके ऑप्टिकल जो है आपके जो दो इसमें डायोड दिए गए हैं, एवलांचे फोटो डायोड्स एंड पिन डायोड्स। और आपको बताना है कि ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए आपका जो एवलांचे डायोड है वो पिन डायोड के कंपेरिजन में क्यों प्रीफर किया जाता है। आपके ऑप्शन है ए, स्पीड ऑफ ऑपरेशन ड्यू टू हाई सेलेक्टिविटी ड्यू टू लार्ज बैंडविड्थ। एंड द फोर्थ ऑप्शन इज लार्ज पावर हैंडलिंग कैपेसिटी। तो इसमें दोस्तों, आपका जो एवलांचे फोटो डायोड होता है उसकी पावर हैंडलिंग कैपेसिटी जो है वो पिन डायोड से ज़्यादा होती है। और आपका जो ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम होता है उसमें बेसिकली जो हम काफ़ी हाई पावर पे जो हम चीज़ों को जो है इसमें ऑपरेट करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में जो पावर होता है वो काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है उसकी। तो जो आपका एवलांचे फोटो डायोड होता है वो ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा उसकी पावर हैंडलिंग कैपेसिटी होती है, इसीलिए जो है इसको पिन डायोड के कंपैरिजन में एवलांचे फोटो डायोड को यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन जो फोर वो सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपको जो है काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। आपको पूछा गया है कि वॉट इज़ द रेंज ऑफ UHF। ठीक है, तो आपको जो है अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी की रेंज पूछी गई है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन टू आपका सही हो जाएगा, 300 MHz टू 3000 MHz। इसमें आपका ऑप्शन टू सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि इन द फॉलोइंग फिगर आउटपुट VT। आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके एक ब्लॉक डायग्राम दिया हुआ है। इसमें आपको जो ब्लॉक डायग्राम का आउटपुट VT है आपको बताना है कि वो किस तरीके का सिग्नल होगा। आपके ऑप्शन है ए, फेज मॉड्यूलेटेड सिग्नल, बी, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल, थर्ड आपका है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल, एंड द फोर्थ वन इज वेस्टिजियल साइड बैंड मॉड्यूलेटेड। ठीक है, VSB जिसे हम बोलते हैं, वेस्टिजियल साइड बैंड इसका फुल फॉर्म है। अब बात कर लेते हैं इस ब्लॉक डायग्राम की। ये जो आपका ब्लॉक डायग्राम है ये जनरल आपका जो है FM जनरेट करने का एक डायरेक्ट मेथड है, जिसको हम इंटीग्रेटर और जो है फेज मॉड्यूलेटर के थ्रू जो हम डायरेक्ट इसके इनपुट टर्मिनल पे मैसेज सिग्नल AM cos omega t देने के बाद जो आपका यहाँ से जो आउटपुट VT जनरेट हो जाएगा उसकी जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी AC cos omega CT plus 2πKF 0 to t mt dt। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक इंटीग्रेशन की टर्म आती है, और इंटीग्रेशन की टर्म ये जो आपका इंटीग्रेटेड सर्किट में यूज हुआ है उसकी वजह से आती है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो आपकी ओमेगा सी है वो आपकी कैरियर फ्रीक्वेंसी है, और जो आपका KF है वो आपका जो है यहाँ पे कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। जिसमें आपका जो है ऑप्शन जो यहाँ से आपका सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन आपका थ्री सही हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर फोटो डायोड। तो दोस्तों, इसमें आपको फोटो डायोड के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही होगा वो आपको बताना है। आपके ऑप्शन है, एक बार मैं पढ़ दे रहा हूँ, दे डू नॉट हैव एनी रिस्पॉन्स इन डार्कनेस। सेकेंड वन इज दे हैव रिस्पॉन्स इवन इन डार्कनेस। दे हैव ए लीकेज करेंट इवन इन डार्कनेस विच डबल्स फॉर एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज इन एम्बियंट टेम्परेचर दैट डिक्रीजेज द SNR सिग्नल टू नॉइस रेशियो। एंड द फोर्थ वन इज दे हैव ए लीकेज करंट इवन इन डार्कनेस विच डबल्स फॉर एवरी 5 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीजेज इन टेम्परेचर एंड इंक्रीज द SNR। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि जो आपका फोटो डायोड होता है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो मैंने इसके रिलेटेड जो है अपने चैनल्स पे वीडियो बना रखी है स्पेशल डायोड, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो मैंने फोटो डायोड के बारे में बताया है। तो जो आपका फोटो डायोड होता है उसमें वो जो है आपका लाइट को जो है करंट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपका फोटो डायोड होता है उस पर जो
डायोड के जो जो आपका जंक्शन होता है उस पे जब आप लाइट इंसिडेंट्स कराएंगे तो उससे जो आपका आउटपुट जनरेट होगा वो एक करंट जनरेट होती है, ठीक है। अब यह जो ये जो आपके यहाँ की करंट जनरेट होती है वो बेसिकली दो कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है। फर्स्ट वन जो आपका होता है वो तो माइनॉरिटी कैरियर की करंट से, क्योंकि आपका जो फोटो डायोड होता है वो रिवर्स बायस में करता है, तो रिवर्स बायस में जो डायोड में आपकी माइनॉरिटी कैरियर करंट फ्लो करेंगी, एक तो उसकी वजह से करंट होगा, एंड द सेकेंड करंट इज़ ड्यू टू डार्कनेस, ठीक है। इसको हम जो बोलते हैं उसे हम बोलते हैं डार्क करंट, ठीक है। तो अब ये जो डार्क करंट आपकी होती है, जो आपका माइनॉरिटी कैरियर करंट है वो तो आप जब लाइट इंसिडेंट करेंगे तब तो ऑलरेडी आपकी माइनॉरिटी कैरियर करंट आपकी जो डायोड में फ्लो करेगी, जबकि ये जो आपकी डार्क करंट है जब आप लाइट इंसिडेंस करना बंद कर देंगे उसके बाद भी आपकी करंट उसमें फ्लो करती रहती है, तो इसीलिए जिसमें आपका ऑप्शन टू है वो सही हो जाएगा। दे हैव ए रिस्पॉन्स इवन इन डार्कनेस, और जो आपका रिस्पॉन्स के रूप में जो आपकी करंट फ्लो करती है उसे हम डार्क करंट बोलते हैं। ये भी जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, ये डार्क करंट आपके इस नाम से भी पूछा जा सकता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको से पूछा गया है कि रिपल फैक्टर और फॉर्म फैक्टर में क्या रिलेशन है। आपके चार ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको रिपल फैक्टर और फॉर्म फैक्टर में रिलेशन बताना है। तो इसके लिए दोनों आप सबसे आपको तो दोनों जो फॉर्मूले हैं इनके, जो आपको रिपल फैक्टर और जो आप फॉर्म फैक्टर है इसके फॉर्मूले अगर पता होंगे तभी आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला दे रखा है, आप दे सकते हैं। जो आपका रिपल फैक्टर होता है वो RMS वैल्यू ऑफ AC कंपोनेंट अपॉन DC वैल्यू, और जो आपका फॉर्म फैक्टर होता है उसका जो फॉर्मूला आपका है वो RMS वैल्यू इज अपॉन DC वैल्यू। तो यहाँ से जो आपका फॉर्मूला सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन टू आपका सही हो जाएगा। जो आपका रिपल फैक्टर होता है वो हो जाएगा अंडर रूट फॉर्म फैक्टर का होल स्क्वायर -1, और आपका ऑप्शन जो टू है वो सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो दोस्तों आपको यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपके उसके रिगार्डिंग जो आपका उसमें सुटेबल होगा ऑप्शन चूज करके फिल इन द ब्लैंक्स करना है। अब आपका स्टेटमेंट है कि ए कंपैरेटर विद हिस्टेरेसिस, आपका एक कंपैरेटर है विद हिस्टेरेसिस, आपको उसमें बताना है कि कितने ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं। आपके ऑप्शन है 1 ट्रिगर पॉइंट, ऑप्शन 2 2 ट्रिगर पॉइंट्स, ऑप्शन 2 आपका 3 है वो है हैज़ वेरिएबल ट्रिगर पॉइंट्स, एंड द ऑप्शन 4 इज़ लाइक ए मैग्नेटिक सर्किट, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान में रखना है कि जो आपका कंपैरेटर होता है विद हिस्टेरेसिस उसमें आपके दो ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं, और उनके नाम यहाँ पे मैंने दे रखा है, आप देख सकते हैं। फर्स्ट वन इज अपर ट्रिगर पॉइंट्स एंड द सेकंड वन इज लोअर ट्रिगर पॉइंट, ठीक है। तो इसमें आपका जो आपका ऑप्शन टू है वो सही हो जाएगा कि कंपैरेटर विद हिस्टेरेसिस हैज़ 2 ट्रिगर पॉइंट्स, फर्स्ट वन इज अपर ट्रिगर पॉइंट्स एंड द सेकंड वन इज लोअर ट्रिगर पॉइंट, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब दोस्तों यहाँ पे एक लिसाजूस पैटर्न ऑन ए CRO स्क्रीन, आपके एक लिसाजूस पैटर्न दिया हुआ है CRO की स्क्रीन पे। इसके लिए आपको जो है फ्रीक्वेंसी रेशियो ऑफ द वर्टिकल सिग्नल टू द हॉरिजेंटल सिग्नल, ठीक है। अब आपको इसमें जो है फ्रीक्वेंसी का रेशियो फाइंड आउट करना है फॉर जो है वर्टिकल सिग्नल जो आपका होता है FY एंड द रेशियो FX, ठीक है। तो आपका FY और FY एंड FX का जो है रेशियो फाइंड आउट करना है वर्टिकल टू हॉरिजेंटल, ठीक है। अब वर्टिकल टू हॉरिजेंटल फाइंड आउट करने के लिए आपको देखना है कि जो आपका ये सिग्नल है, अब वर्टिकल सिग्नल का जो आपके FY की वैल्यू होगी वो आपको कैसे नोट करना है। तो अगर आपका जो सिग्नल दिया हुआ है, आपका जो एक पैटर्न दिया हुआ है, इसको जब आप कभी भी वर्टिकली कहीं से भी क्रॉस सेक्शन करोगे, ठीक है, वर्टिकली अगर आपको पूरे सिग्नल को कहीं भी क्रॉस सेक्शन करेंगे तो ये जो आपका ग्राफ है वो देखेंगे आप कि हमेशा जो दो पॉइंट्स पे टच करेगा, ठीक है। तो वर्टिकल सिग्नल की वैल्यू हो जाएगी 2, और साथ ही साथ आप हॉरिजेंटल की बात कर लेते हैं तो जब आपका हॉरिजेंटल पे इसको कभी भी क्रॉस करेंगे तो टोटल आपके यहाँ पे 5 जो आपके सिंबल्स बन रहे हैं तो आपके जो टोटल कट बनेंगे वो बनेंगे 10, ठीक है। तो आपका जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा वर्टिकल बाई हॉरिजेंटल का 2/10, और आपका जो फाइनल आ जाएगा आंसर वो हो जाएगा 1/5, 1:5, और आपका ऑप्शन इसमें 3 जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि आप एक FET सर्किट दिया हुआ है, इसमें आपका सोर्स के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू 3 किलो ओम, और जो आपका वोल्टेज इन आउटपुट एंड इनपुट वोल्टेज का जो रेशियो है वो 0.9 दिया हुआ है। तो आपको सर्किट में जो है GM जिसे हम ट्रांस कंडक्टेंस बोलते हैं उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, आपको वैल्यू सारी दे रखी है, और इसमें जो आपका एक फार्मूला याद करना है आपको कि GM की जो GM का जो ट्रांस कंडक्टेंस का फार्मूला होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के लिए वो होता है ID/VGS। अब ID आपकी है ड्रेन करंट एंड द VGS इज गेट टू सोर्स वोल्टेज है आपका
FET के लिए, ठीक है। अब इसका जो है फाइंड आउट करने के लिए, तो हम सबसे पहले हमें ID की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो ID की वैल्यू जो आपकी हो जाएगी, वो हो जाएगी आउटपुट के क्रॉस वोल्टेज एंड सोर्स के क्रॉस जो आपका रेजिस्टेंस लगा हुआ है उसका रेशियो आप करेंगे, तो आपको यहाँ से ID मिल जाएगी। और साथ ही साथ जो आपका VGS है, आप देख सकते हैं कि जो आपका VGS है वो ग्रेट और सोर्स के बीच का वोल्टेज डिफरेंस है, और आपका सोर्स चूंकि ग्राउंडेड है तो आपका जो VGS हो जाएगा वो आपका जो नॉर्मल VG है वही आपका VGS हो जाएगा। तो आपका जो ID बाई VGS का रेशियो आ जाएगा वहाँ पे आप देख सकते हैं, और आपका जो फाइनल GM आ जाएगा वो आ जाएगा 0.3 मिली एम्पियर पर वोल्ट, और आपका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा 0.3 मिली एम्पियर पर वोल्ट, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि इन अ डिफरेंशिएटर फीडबैक एलिमेंट इज कैपेसिटर रजिस्टर जेनर डायोड एंड वोल्टेज डिवाइडर। तो दोस्तों आपको इसमें जो है एक डिफरेंशिएटर जो आपका सर्किट होता है उसके लिए पूछा गया कि जो आपका फीडबैक में एलिमेंट होता है वो कौन सा एलिमेंट होता है। तो आप यहाँ पे मैंने यहाँ पे डिफरेंशिएटर का जो है ओपन सर्किट दे रखा, आप देख सकते हैं कि जो फीडबैक में आपका रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो इसमें आपका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। और आपको यह साथ ही साथ जो है इसका नाम डिफरेंशिएटर क्यों है, तो आप देख सकते हैं इसका जो इसका आउटपुट होता है वो जो है आपका इनपुट के डिफरेंशिएट के इक्वल होता है, और साथ ही साथ जो उसमें आपके रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस की वैल्यू मल्टीप्लाई होती है। तो इसमें आपका ऑप्शन जो 2 है वो सही हो जाएगा कि इन अ डिफरेंशिएटर द फीडबैक एलिमेंट इज रजिस्टर, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि ECL सर्किट हैव हायर फैन आउट बिकॉज ऑफ दियर। तो दोस्तों आपको दिया गया है कि एमीटर कपल्ड लॉजिक के लिए आपसे पूछा गया है कि उसका जो फैन आउट होता है वो काफ़ी हाई होता है, उसका रीज़न क्या है। आपके ऑप्शन है ड्यू टू हाई इनपुट इम्पिडेंस, ड्यू टू लो आउटपुट इम्पिडेंस, ड्यू टू हाई इनपुट एंड लो आउटपुट इम्पिडेंस, एंड द फोर्थ वन इज कॉम्प्लीमेंट्री आउटपुट। तो दोस्तों जो आपका ECL है, ठीक है, एमीटर कपल्ड लॉजिक, उसका जो फैन आउट होता है उसका जो रीजन है वो क्यों होता है, तो ड्यू टू हाई इनपुट इम्पिडेंस एंड ड्यू टू लो आउटपुट इम्पिडेंस, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है कि ECL का जो है जो फैन आउट होता है वो काफ़ी हाई होता है क्योंकि उसका जो इनपुट इम्पिडेंस वो काफ़ी हाई और एंड द आउटपुट इम्पिडेंस इज लो, ठीक है। तो आपका ऑप्शन यहाँ से 3 सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि विच ऑक्सीलेटर यूजेस ए टैप्ड कॉयल इन टैंक सर्किट, ठीक है। अब इसमें आपसे पूछा गया है कि किस ऑक्सीलेटर के टैंक सर्किट में आपको टैप्ड कॉयल यूज की जाती हैं। तो सबसे पहले तो आपको टैंक सर्किट पता होना चाहिए। तो आपको जो आपका जो टैंक सर्किट होता है उसमें आपके कैपेसिटर एंड इंडक्टर जो होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल में लगे होते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सर्किट होता है। एल एंड सी जो आपके होते हैं वो पैरेलल में लगे हुए होते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किस ऑक्सीलेटर के टैंक सर्किट में टैप्ड कॉयल यूज होती है। अब टैप्ड कॉयल का क्या मतलब है? इंडक्टर, ठीक है। तो इंडक्टर आप देख सकते हैं कि L1 एंड L2 दोनों जो इंडक्टर एक दूसरे से टैप्ड हैं, तो आपका जो हार्टले ऑक्सीलेटर होता है वो जो उसके लिए आपके जो टैप्ड कॉयल टैंक सर्किट में यूज होती हैं। अब इसको याद रखने का तरीका है कि टैप्ड कॉयल है तो इंडक्टर की बात आएगी, और इंडक्टर की जो यूनिट होती है वो होती है हेनरी, ठीक है। आपको पता होगा इंडक्टर की हेनरी यूनिट होती है हेनरी, और हेनरी से H से, तो आपको याद रखना है कि हार्टले ऑक्सीलेटर, और आपका ऑप्शन जो 1 है वो सही हो जाएगा, हार्टले विल बी द राइट आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि एन ओपेम्प हैज 0 गेन फॉर कॉमन मोड इनपुट देन CMRR इज। तो दोस्तों आपको ओपेम्प के लिए जो आपका कॉमन मोड गेन है उसकी वैल्यू दे रखी है 0, और आपसे जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका डिफरेंशियल मोड गेन अपॉन कॉमन मोड गेन। और आपका जो क्वेश्चन में कॉमन मोड गेन आप देख सकते हैं कि 0 दिया हुआ है, जब आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो आपका जो CMRR आ जाएगा वो हो जाएगा इनफाइनाइट, और आपका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज़ द इनपुट इम्पिडेंस ऑफ फॉलोइंग ओपेम सर्किट, ठीक है। तो आपको एक ओपेम सर्किट दिया हुआ है और इसके क्रॉस पूछा गया आपसे कि इसका इनपुट इम्पिडेंस क्या होगा, और उसकी वैल्यूज़ आपको क्वेश्चन आंसर में दे रखी हैं 120 किलो ओम, 110 किलो ओम, इन्फिनिटी एंड 10 किलो ओम, ठीक है। तो दोस्तों इसका सिंपल सा तरीका, अगर आपको किसी भी सर्किट ओपेम के अलावा अगर कोई भी सर्किट आपको दिया हो और उसमें आपको इनपुट या आउटपुट के क्रॉस अगर आपसे इनपुट इम्पिडेंस पूछा गया हो, तो इसका सबसे सिंपल जो तरीका है, आप इनपुट में पूछा गया है तो इनपुट ब्रांच के क्रॉस आपकी जो करंट और वोल्टेज उसके क्रॉस, उन दोनों का रेशियो फाइंड आउट कर लीजिए। आपको पता ही होगा कि
जो रेजिस्टेंस होता है वो वोल्टेज और करंट का रेशियो होता है, तो आप जो है उस ब्रांच में वोल्टेज और करंट का रेशियो फाइंड आउट कर लीजिए, तो वही ऑटोमेटिकली आपका जो है रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं, चूंकि इसमें ओप एम्प में पूछा गया है, तो ओप एम्प में आपको पता है कि वर्चुअल शॉर्ट सर्किट का कॉन्सेप्ट होता है, तो जो आपका सी पॉइंट है वो ड्यू टू वर्चुअल शॉर्ट सर्किट आपका जो वी सी वोल्टेज हो जाएगा वो हो जाएगा 0 वोल्ट, और वहाँ पर आप के सी एल जब अप्लाई करेंगे तो आपका के सी एल से जो आपकी इक्वेशन बन जाएगी वो हो जाएगी वी ए बाई 10 किलो ओम, और आपका जो वी ए जो आपका इनपुट के अक्रॉस वोल्टेज और साथ ही साथ उसके जो उसमें करंट फ्लो आई कर रही है उसका जो रेशियो हो जाएगा वी ए बाई आई वो हो जाएगा 10 किलो ओम, और यही आपका जो है इनपुट इम्पीडेंस हो जाएगा। ऑप्शन आपका जो 4 है वो सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इन अ सीरीज आर एल सी सर्किट रेजोनेट्स एट 1000 किलो हर्ट्ज एट फ्रीक्वेंसी ऑफ 995 किलो हर्ट्ज, द सर्किट इम्पीडेंस इज रजिस्टिव मिनिमम इंडक्टिव और कैपेसिटिव। ठीक है, तो दोस्तों आपको सीरीज आरएलसी सर्किट के लिए आपको जो है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी दी गई है, और साथ ही साथ आपसे को रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो 1000 किलो हर्ट्ज दी रखी है उससे कम, या जो उससे कम जिसकी वैल्यू दे रखी है 995 किलो हर्ट्ज, उस पर आपका सर्किट का इम्पीडेंस पूछा गया है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड मैंने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाए हैं उसमें भी इस तरीके के क्वेश्चन सीरीज सर्किट से पूछा जा चुका है। तो जो आपका आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपका मैंने करंट और फ्रीक्वेंसी के बीच में एक ग्राफ दे रखा है सीरीज जो आपका रेजोनेंस सर्किट होता है आरएलसी उसके लिए, और जो आप देख सकते हैं कि फॉर ओमेगा लेस देन ओमेगा नॉट मतलब आपकी जो फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से कम होगी उसके लिए आप देख सकते हैं कि जो आपकी करंट है वो लगातार इंक्रीज कर रही है। ठीक है, और आपकी अगर किसी सर्किट में करंट आपकी इंक्रीज कर रही है तो जायज़ सी बात है वो सर्किट आपका कैपेसिटिव होगा। इसका सिंपल सा तरीका मैं आपको एक तरीके से और बता दे रहा हूँ कि जो आपका रजिस्टर जो आपका कैपेसिटर के क्रॉस करंट होती है वो होती है I = CdV/dt। ठीक है, I = CdV/dt, ये तो सिंपल सा फॉर्मूला आपको पता ही होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो आपकी करंट है वो वोल्टेज से लीड कर रही है। ठीक है, आपकी करंट है, तो अगर आपके किसी भी सर्किट में आपकी जो करंट लीड कर रही है तो जो है आपका वो सर्किट उसका जो नेचर होगा वो कैपेसिटिव होगा। और यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि फॉर लेस देन ओमेगा आपकी जो करंट है वो इंक्रीज कर रही है, तो आपका जो सर्किट हो जाएगा वो हो जाएगा, ठीक है, आपका सर्किट हो जाएगा कैपेसिटिव, और इसमें आपका ऑप्शन जो 4 है वो सही हो जाएगा। द सर्किट विल बी सर्किट का जो इम्पीडेंस होगा वो कैपेसिटिव होगा। ठीक है, तो ये काफ़ी जो एक कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन था ये एग्जाम आपको ध्यान में रखना है। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और आप दिए गए लिंक पे मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी मेरे कई सारे कोर्सेज हैं, आप उनको जाके रेट एवं रिव्यू भी कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उसके थ्रू जाके आप जो है मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और सब चैनल को सब्सक्राइब तक आपने नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो है जो आप लोग थोड़ा शेयर नहीं कर रहे हैं तो कृपया जो है शेयर भी करते रहिए, और साथ ही साथ आपसे मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।